हेलो तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीरोडीन एरिया जिसको जोंक भी कहते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हीरोडिन के बारे में हेरोडीन की हम लोग बाय संरचना और इंटरनल संरचना के साथ साथ और इसमें इसके जीवन चक्र के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो हीरोरिया जो है हमारा पी और टी टी के एग्जाम से महत्वपूर्ण हो जाता है तो आज हम लोग बात इसी पर करने वाले हैं हीरोडिन के बारे में सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हीरोडेन जो है हीरोडिन गैनुलोशा जो कि भारतीय पशु जोग के नाम से जाना जाता है हीरोडिन गैनुलोशा को क्या भारतीय पशु जोग के नाम से भी क्या होता है जाना जाता है यह रोधी रवाही होता है यानी यह क्या करता है पशुओं पशुओं और पशुओं पर बाह परजीवी यानी मेढकों मछलियों और अन्य जीवों पर पशुओं पर भी यह बाह्य परजीवी के रूप में होता है वह उनसे चिपक जाता है और वहाँ से शकर के माध्यम से रुधिर का रुधिर को चूसता है और जो इसका भोजन है जो इसका क्या है भोजन है तो हिरडोनिया जिसको हम भारतीय जोग कहते हैं यह एक प्रकार का इक्टो पैरासाइट है क्या है इक्टो पैरासाइट है जो मछलियों मेढकों और पशुओं पर परजीवी के रूप में पाया जाता है अगर इसके आकार की बात करें आकार या परिमाप की बात करें तो हिरोनेरिया का शरीर जो होता है यह कोमल होता है देखेंगे आप लोग तो कैसा होता है कोमल होता है क्रीम रूपी है लंबा शरीर होता है कैसा होता है लंबा शरीर होता है चपटा होता है पृष्ठ अधरी क्या होता है चपटा होता है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यह दस से लेकर के तीस सेंटीमीटर तक लंबा होता है इसकी त्वचा जो होती है इसकी जो त्वचा जो चारों तरफ उपस्थित है यह एक प्रकार के म्यूकस का श्राव करती है जिसके कारण इसका जो त्वचा है वह नम बना रहता है और लसीला होता है संकुचन की अवस्था में यह जब यह संकुचित करता है इसका त्वचा जो संकुचन की अवस्था में यह बेलनाकार होता है और प्रसारित अवस्था में यह रिबन की भांति दिखाई देता है और इसका जो रंग होता है यानी इसके पृष्ठ का जो सतह होता है यानी पृष्ठ सतह इसके जो पृष्ठ यानी जो पृष्ठ वाला भाग होता है यानी डॉर्सल साइड जो होता है वह जैतूनी रंग का होता है कैसा होता है जैतूनी रंग का जबकि इसका वेंट्रल साइड जबकि इसका ये वेंट्रल साइड यहाँ पे एक साइड दिखाया गया है और एक इसका इसका साइड साइड दिखाया गया है है और इसका जो होता है, लाल रंग की होती है और इसके दोनों पार्श्वों में जो होते हैं नारंगी या पीले रंग की स्पष्ट धारियाँ होती हैं नारंगी या पीले रंग की देख रहे हैं नारंगी रंग की स्पष्ट धारियाँ होती हैं जो पीले रंग की भी होती हैं और पूरा जो शरीर होता है वह खंडित होता है सेगमेंट में बटा होता है जिसको मेटामियर्स भी कहते हैं क्या कहते हैं मेटामियर्स या जो तैतीस सेगमेंट बटा होता है जो हिरुडीन एरिया है इसका कितने खंड इसमें पाए जाते हैं तो तैतीस मेटामेर या तैतीस सेगमेंट पाए जाते हैं पहले दो और अंतिम सात खंडों को छोड़कर करके यानी जो पहला यहाँ से जो पहला दो खंड है यानी ऊपर का दो खंड और अंतिम का सात खंड इन दोनों को छोड़ के प्रत्येक जो खंड बीच में पाए जाते हैं यह पुनः यह पुनः जो होते हैं आ, पुना खंडों में बटे होते हैं पुनः छोटे छोटे खांचों में क्या होते हैं बटे होते हैं जिन्हें छल्ला भी कहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं छल्ला भी कहते हैं और इसके अगर इसकी बात करें तो इसमें सुकर दो तरह के सुकर पाए जाते हैं एक तो एंटीरियर रिजर्व पर पाया जाता है यानी जा इसका इंटीरियर रीजर है और इसका क्या है पोस्टीरियर रीजर तो इंटीरियर रिजर्व पर जो होते हैं इंटीरियर सुकर पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं इंटीरियर सुकर पाए जाते हैं यह आगे की तीन खंडों से बने होते हैं आगे का तीन खंड मिल करके एंटीरियर शुकर का क्या करता है निर्माण करता है और पीछे सात सेगमेंट मिलकर के जो पोस्टीरियर सुगर है शुकर है यह सात सेगमेंट्स क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं और शरीर का जो पूरा हेरोडोनिया का जो शरीर है वह लगभग सात छ से सात भागों में क्या होता है सात भागों में पूरा बटा होता है सबसे पहले तो बात करेंगे हम शीर्षास्त्र भाग यानी आगे का जो शीर्ष भाग है शीर्षास्त्र भाग जिसको कहते हैं सिफेलिक रीजन भी इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है सिफेलिक रीजन या शीर्षास्त्र भाग तो जो शीर्षास्त्र भाग होता है पहले पांच खंडों से निर्मित होता है पहले सिर्फ जो पाँच खंड है यही जो पाँच खंड ऊपर के पाँच खंड जो होते हैं आगे के उसी को हम शीर्षास्त्र भाग या सिफेलिक रीजन कहते हैं इस रीजन को हम नेत्रखंड भी कहते हैं ऑस्कुलर सेगमेंट यानी इसी रीजन को हम ऑस्कुलर सेगमेंट भी कहते हैं पहले पांच खंड को हम सेफेलिक रीजन या फिर सिर सात भाग या नेत्रखंड कहते हैं इसी में इसी में जो होते हैं प्रोस्टोमियम इसी में क्या पाया जाता है प्रोस्टोमियम इसी में प्रोस्टोरियम पाया जाता है प्रोस्टोरियम के साथ साथ इसमें आइस आंखें पाई जाती हैं इस खंड में और इसमें माउथ होता है और एंटीरियर शूकर इस भाग में क्या होते हैं उपस्थित होते हैं और पहल एक से लेकर पाँच सेगमेंट तक नेफ्रिडियोफोर यानी वृक्ष छिद्र जिसको क्या कहते हैं नेप्रेडियोफोर इसका एक्सरेट्री आर्गन क्या है नेफ्रेडियोफोर है नहीं पाया जाता पहले से पाँच खंड तक नेप्रेडियोफोर नहीं पाया जाता और उसके बाद बात करें क्लाइटेलम दूसरा जो भाग होता है उसको हम क्लाइटेलम पूर्वी भाग कहते हैं क्लाइटेलम पूर्वी भाग जो होता है छः से सातवें खंड तक छः चा सात और आठवें खंड से निर्मित होता है अब यहाँ पे जो छठवां सातवां और आठवां खंड है यहाँ पे छठवां सातवां और आठवां जो खंड होता है इसी खंड को हम कहते हैं क्लाइटेलम पूर्वीय यानी प्री क्लाइटेलर रीजन कहते हैं प्री क्लाइटेलर रीजन कहते हैं और इस खंड में जो होता है नेफ्रेडियोफोर उपस्थित होता है छठवां सातवां और आठवें खंड को हम प्री क्लाइटेलर रीजन कहते हैं इसमें नेफ्रेडियोफोर क्या होता है उपस्थित होता है और उसके बाद नौवें दसवें और ग्यारहवें खंड को नौवें दसवें यहाँ पे नौवां, दसवां और ग्यारहवां खंड जो होता है इसको हम क्लाइटमी भाग कहते हैं क्या कहते हैं क्लाइटमी भाग कहते हैं उसके बाद इसका जो मध्य का भाग होता है यानी इसका जो बीज का भाग होता है यह सबसे बड़ा भाग होता है जो बारहवें खंड से बाईसवें खंड बारहवें से लेकर के बाईसवें खंड तक होता है बारहवें से लेकर के बाईसवें खंड तक यानी पूरा यहाँ पे दिखाया नहीं गया है बारहवें खंड से लेकर के बाईसवें खंड तक का जो भाग होता है उसको मिड रीजन कहते हैं क्या कहते हैं मिड रीजन कहते हैं मध्य भाग कहलाता है और इसमें वृक्रंथ यानी नेफ्रडियो क्या होता है बारहवें से बाईस बाई तक इसमें नेफ्रिडियो क्या होता है उपस्थित होता है और इसके जो पुछ का भाग है जिसको हम क्यूडियल रीजन कहते हैं यानी जो पुछ का भाग होता है इसको हम क्यूडल रीजन कहते हैं क्यूडल रीजन जो होते हैं वह तेईस से छब्बीसवें सेगमेंट तक तेईस से छब्बीसवें सेगमेंट तक के भाग को हम पुच्छ भाग कहते हैं पुच्छ भाग कहते हैं और छब्बीसवें खंड में यह छब्बीसवें खंड में जो होता है एनस उपस्थित होता है क्या होता है एनस उपस्थित होता है जिसको हम एनल एपरेटर्स भी कहते हैं एनस छब्बीसवें खंड में क्या होता है एनस उपस्थित होता है और जो पोस्टीरियर शुकर होता है यानी जो पोस्टीरियर शुकर यहाँ पे देख रहे हैं जो पोस्टीरियर शुकर होता है यह 26 से लेकर के 33वें खंड तक यानी 26 से लेकर के 33वें खंड यानी टोटल सात सेगमेंट जब मिलते हैं तो पोस्टीरियर सुकरस का क्या होता है निर्माण होता है इसी में ये पाए जाते हैं पोस्टीरियर सुकर उपस्थित होते हैं अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो मेल जेनेटल्स अपरेटर्स फीमेल जेनेटल ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या होते हैं उपस्थित होते हैं तो यह अभी बात करेंगे हम लोग कि मेल जेनेटल इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो जो नर मेल जेनेटल ऑपरेटर्स होते हैं नर जनरा जो होते हैं वह बारह से बाईसवें खंड तक होते हैं बारहवें खंड जो होता है बारहवें खंड से स्टार्ट होकर के या बाईसवें खंड तक आ, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी वृषण कोष उपस्थित होते हैं वृषण कोष कहाँ से होते हैं बारहवें से लेकर बाईसवें खंड तक यह पाए जाते हैं और उसके बाद फीमेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह इगारहवें खंड में पाई जाती है कहाँ पाई जाती हैं इगारहवें खंड में तो फीमेल जेनेटल सेपरेटर ग्रहवें खंड में और मेल जेनेटल सेपरेटर जो होते हैं या टोटल ग्यारह जोड़ी होते हैं जो बारह से बाईसवें खंड तक के होते हैं उपस्थित होते हैं अगर हम बात करें इसमें पाचन तंत्र के लिए तो जो हेरोडियन एरिया है उसमें पाचन तंत्र कंप्लीट रूप से विकसित होता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है जो मुख गुहा से लेकर के गुदा तक क्या होता है फैला होता है और इसमें जो निम्नलिखित भाग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो होते हैं मुख गुहिका होती है सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या होता है ऊपर की तरफ प्रोस्टेरियम यानी मुख गोहिका होती हैं मुख गोहिका जो होती हैं ग्रशनी में जाकर खुलती हैं कहाँ पर खुलती हैं ग्रसनी में और ग्रसनी जो होती है ग्रासिका क्रॉप में खुलती हैं ग्रासिका क्रॉप अमाश्य में अमाश्य जो होता है आँ में खुलते हैं और आँख फाइनली मलाशय यानी रेक्टम में जाकर क्या होता है ओपन हो जाता है और इसके साथ साथ इसमें जो श्वसन होता है में जो श्वसन होता है श्वसन के लिए कोई विशेष अंग उपस्थित नहीं होते हैं श्वसन जो होता है इसके त्वचा के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है उत्सर्जी तंत्र के रूप में हमने बताया कि उत्सर्जी तंत्र के रूप में नेफ्रेडियो फोर पाया जाता है क्या पाया जाता है नेफ्रेडिया पाया जाता है जो सत्रह जोड़ी होते हैं कितने होते हैं सत्रह जोड़ी नेफ्रिडिया इसमें पाया जाता है और ये जो सत्रह जोड़ी नेफ्रिडिया होते हैं जिसका विस्तार यानी इसमें जो सत्रह जोड़ी कुंडलित नालिकाएं होती हैं जिसको हम नेफ्रिडिया कहते हैं यह छठे खंड से यानी यह छठवें खंड से प्रारंभ होते हैं और बाइसवें खंड तक फैले होते हैं बाईसवें खंड तक क्या होते हैं फैले होते हैं पहले पहले के जो छठवें खंड से प्रारंभ होकर के ग्यारहवें खंड में जो पाए जाते हैं छठे खंड से प्रारंभ होकर के जो ग्यारहवें खंड तक पाए जाने वाले नेफ्रेडिया होते हैं उसे हम प्रेटिस्टिकुलर नेफ्रेडिया कहते हैं क्या कहते हैं प्रेटिस्टिकुलर नेफेडिया कहते हैं और उसके पश्चात यानी ग्यारहवें खंड से यानी बारहवें खंड से लेकर के बाईसवें खंड तक जो नेफेडिया पाए जाते हैं उसको हम टेस्टिकुलर नेफेडिया कहते हैं क्या कहते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रेडिया जो बारहवें खंड से स्टार्ट होकर कहां तक पाया जाएगा बाईसवें खंड तक उसको हम टेस्टिकुलर निप्रेडिया कहेंगे और जो छठवें खंड से प्रारंभ होकर के छठवें खंड से प्रारंभ होकर ग्यारहवें गे खंड तक पाया जाता है तो उसको हम प्रेटेस्टिकुलर टे नेफ्रेडिया कहते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है में तंत्रिका तंत्र क्या होता है विकसित होता है तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिरोडेन के बारे में जैसा हमने बताया क्या है

खंड से गुदा तक मध्यवर्ती धारियाँ होती हैं क्या होती हैं मध्यवर्ती धारियाँ होती हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और जो सेगमेंट की बात करें तो जोक का शरीर तैंतीस में बटा होता है जैसे हमने बताया विभाजित होता है पहले दो और अंतिम सात खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड पुनः खाँचों में क्या होता है वलियों में बटा होता है पुनः क्या होता है वलियों में बटा होता है इंटीरियर सुकर्स यानी दो सुकर पाए जाते हैं एक आगे और एक पीछे एक इंटीरियर साइड में पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं पोस्टीरियर साइड में तो आगे के तीन काय खंडों से इंटीरियर सुकर बनता है जबकि पश्च सूचक का निर्माण सत्ताईस से लेकर तैंतीस यानी टोटल सात खंडों के मिलने से बनता है शरीर का भाग शरीर यानी पार्ट ऑफ बॉडी की बात करें तो शीर्षस्थ भाग यानी जो हिरडेनिया का शरीर है वह निम्नलिखित भागों में बटा होता है शीर्षस्थ भाग जो होते हैं सिफेलिक रीजन कहते हैं पहले पाँच खंडों से मिलकर बना होता है इसे नेत्रखंड भी कहा जाता है जिसमें प्रोस्टेनियम होता है अग्रसूचक होता है मुख होता है नेत्र होता है इस भाग में क्या होते हैं पाए जाते हैं इसमें नेफ्रिडियोफोर नहीं पाया जाता उसका दूसरा है क्लाइटेलम पूर्वी भाग यानी प्री क्लाइटेलर रीजन छठवें सतवें व अठारहवें खंड से क्या होता है छठवें सतवें और आठवें खंड से यह नियमित होता है प्रत्येक खंड में नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है और क्लाइटेलमी भाग यानी यह नौवें दसवें ग्यारहवें खंड से क्या होता है बना होता है ग्रंथिल भाग यानी वृक्ष ग्रंथी इसमें उपस्थित होती हैं मध्य भाग जो होता है सबसे बड़ा होता है जो बारहवें से लेकर के बाईसवें खंड यानी ग्यारह खंडों में टोटल बटा होता है और इसमें नेफ्रिडियोपोर क्या होते हैं उपस्थित होते हैं भाग की बात करें तो छब्बीस से तेईस से छब्बीस तक चार खंडों द्वारा यह बना होता है ट्यूडल इसमें वृक्ष ग्रंथ क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं छब्बीसवें खंड के मध्य में पृष्ठ भाग में जो होता है एनल एपरेटर्स क्या होता है पाया जाता है जैसे हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं पश्चिम सूचक पोस्टीरियर सुगर की बात करें तो बाईसवें से यहाँ पे रहेगा सॉरी दोस्तों यहाँ पे छब्बीसवें से तैतीसवें खंड तक कुल सात खंडों द्वारा यह निर्मित होता है पोस्टीरियर शुगर यह छल्ले की सतह पर संवेदी पैपिला भी क्या होते हैं हम इसमें पाए जाते हैं आंतरिक संरचना की अगर बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तो भित्ति जो होती है इसके शरीर भित्ति में क्यूटिकल्स अधिचर्म चर्मपेशी परत और उसके बाद बॉड्रायडल ऊतक कुल पांच प्रकार के स्तर क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं कितने प्रकार का स्तर पांच प्रकार के तो सबसे पहले जो होता है क्यूटकील होता है सबसे बहा परत होता है जो पतला कोमल पारदर्शी होता है रंगहीन होता है लचीला होता है और इसके बाद इसके बाद जो होता है ईपीडर्स पाए जाते हैं और इस तरह से जो इसका पूरा शरीर है वो पांच लेयर से क्या होता है बटा होता है अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र की तो पाचन तंत्र के अंतर्गत जोंक के आहार नाल की बात करें एलिमेंट्रिक अनाल पूरी तरह से विकसित होता है जो मुख गुहा से लेकर गुदा तक क्या होता है फैला होता है एक सीधी नली होती है इसमें इसमें मुख गोहिका होती है, है, है ग्रसनी होती है ग्रासिका होती है क्रॉप होता है अमाशय होता है आँ तथा मलाशय में क्या होते हैं विभक्त होते हैं मुख गोहिका तथा ग्रसनी संयुक्त रूप से मुख गोहिका तथा ग्रसनी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं स्टोमीडियम कहते हैं क्या कहते हैं स्टो मीडियम कहते हैं जबकि अमाशय आँत तथा मलाशय को प्रोक्टोडियम कहते हैं क्या कहते हैं प्रोक्टोडियम का निर्माण करते हैं सिलोम की बात करें तो जो सिलोम होते हैं आहार नाल तथा भित्ति के मध्य आहार नाल और भित्ति के मध्य के अवकाश को कहा जाता है सिलोम जोक में पर्यंत्र प्रगुहा का अभाव होता है इनकी प्रगुहा अत्यंत विलुप्त तथा एक विलक्षण गुच्छेदार उतक के रूप से उतक से क्या होती है भरी होती है यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पे ऊपर जौ है जो दांत के समान होते हैं इनके जौ इस प्रकार के होते हैं कि जब यह किसी जीव को जीव के अंदर अपने जाओ को धसाती हैं तो उसको वह दर्द वहाँ पे नहीं होता है बिना दर्द के यह क्या करती हैं वो अंदर प्रवेश कर जाती हैं और चूचक के माध्यम से ब्लड को क्या करती हैं सकिंग करती हैं और उसके बाद जो ब्लड होता है फायरनिक्स में आता है फायरनिक्स से ओसोफेग्नस में आता है ओसोफेगनस में क्रॉप चैम्बर में आता है यानी ये जो क्रॉप चैम्बर है इसमें क्या होता है ब्लड भर जाते हैं और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार से होता है कि अगर एक बार यह भोजन कर ले तो इसको लगभग छ महीने तक भी भोजन छः महीने या एक साल तक भी भोजन न मिले तो यह बहुत आराम से क्या होता है जिंदा रह सकता है क्योंकि क्रॉप क्रॉप चेंबर में जो होते हैं ब्लड क्या होते हैं भर जाते हैं और ब्लड भरने के बाद बहुत स्लो गति से अमाशय की तरफ क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं तो उसके बाद जो होता है यह स्टमक में जाकर खुलता है स्टमक जो होता है इंटेस्टाइना में खुलता है जो होते है, रेक्टम में और रेक्टम फाइनली एनस में खुलते हैं और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो भी बचता है उसको थ्रू आउट कर दिया जाता है रुधिर गोहिका यानीमिक्स सिस्टम की बात करें तो हिरोडेनिया के रुधिर गोहिका तंत्र में मुख्य चार वाहिकाएं तथा तो उनकी शाखाएं पाई जाती हैं कितनी वाहिकाएं पाई जाती हैं चार वाहिकाएं पाई जाती हैं इन वाहकों में एक पृष्ठ एक पृष्ठ इन डॉर्सल सरफेस पर होता है एक वेंट्रल सरफेस पर होता है और दो लेटरल साइड पे होते हैं कहाँ पे होती हैं है? दो लेटरल साइड्स पे उपस्थित होते हैं श्वसन की बात करें तो हिरोडिरिया में विशिष्ट श्वसनांग का अभाव होता है इनकी त्वचा सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ श्वसन कार्य का भी काम करती है रोधिर गोही द्रव के द्वारा विसरण से गैसों का क्या करती हैं आदान-प्रदान करती हैं उस तंत्र की बात करें तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसके लिए उत्सरी तंत्र में सात जोड़ी कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिससे हम क्या कहते हैं करते हैं यह छठे खंड से बाईसवें खंड तक क्या होती है फैली होती हैं एक जोड़ी वृक दो प्रकार के होते हैं यानी यह या छठे खंड से बाईसवें खंड तक फैली होती हैं और दो प्रकार की होती हैं प्रथम जो छठवें खंड यानी छठवें खंड से जो ग्यारहवें खंड तक नेफ्रिया पाया जाता है इसको हम कहते हैं प्रेटेस्टिकुलर नेफ्रेडिया क्या कहते हैं प्रेटेस्टिकुलर नेफ्रेडिया जबकि बारहवें खंड से बाईसवें खंड तक जो नेफेडिया पाई जाती है उसको हम टेस्टिकुलर नेफेडिया कहते हैं क्या कहते हैं टेस्टिकुलर नेफेडिया कहते हैं तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ह्यूडेरिया का तंत्रिका तंत्र एक सेंट्रल होता है जब परिधि भी पेरिफेरल भी होता है और अनुकंपी होता है तीन भागों से बना होता है कितने भाग से तीन भागों से बना होता है संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर रुधिर गुहिका वाहिका के अंदर क्या होती है पाई जाती है इसमें एक अग्र तंत्रिका वाले हैं और एक वेंट्रल नर्वस कार्ड अंतस्थ गुच्छिका पिंड के तीन भाग क्या होते है? होते हैं वे युग्मित तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गुच्छिकाओं से निकलती हैं परिधि तंत्रिका तंत्र में शामिल हो जाती हैं जैसे धृष्टि तंत्रिकाएं जनन तंत्र की बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो यह हर्माफोडाइट है यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं एक ही हेरोडेनेरिया में एक ही जीव में पाए जाएंगे लेकिन इसमें जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है क्रॉस फर्टिलेशन यानी रिप्रोडक्शंस के समय दो हेरोडनेरिया आपस में एक दूसरे के अपोजिट्स यानी एक का माउथ रीजन तो दूसरे का टेल रीजन आपस में जुड़ते हैं और रिप्रोडक्शन्स प्रक्रिया के थ्रू गैमेट का क्या होता है स्थानांतरण होता है और फाइनली कोकून बनते हैं और कोकोन्स से बाहर जो होते हैं वह बेबी जो होते हैं थ्रू आउट होते हैं तो नर नर्मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बात करें तो प्रत्येक जंतु में वृषण कोष यानी ग्यारह जोड़ी वृषण कोष पाए जाते हैं जो बारहवें से लेकर बाईसवें खंड तक क्या होते हैं उपस्थित होते हैं इसमें शुक्रवाहिका वास वास दो से ग्यारहवें खंड तक क्या होती है फैली होती हैं इसमें ईपीडी डैमेज भी पाई जाती है एजुलेक्ट्रिक होती हैं और एरिटम भी होते हैं जो नौवे दसवें खंड में के द्वारा नर जनन तंत्र का क्या करती है निर्माण करती है मादा जनन तंत्र की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत अंडकोष पाए जाते हैं ओवरिस होती हैं अंडवाइनिया होती हैं और कॉमन ओविडक्ट होता है वे होता है जो ग्यारहवें खंड में क्या होते हैं उपस्थित होते हैं मादा जनरंग कहाँ पर होते हैं ग्यारहवें खंड में तो यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया गया है क्या दिखाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया गया है और यहाँ पे टेस्टिस्ट भी दिखाया गया है यहाँ पे टेस्टिस्ट हैं ओवरीज हैं टेस्टिस्ट हैं और क्या है ओवरीज है और मेल जेनेटल पोर्स यहाँ पे दिखाया गया है मेल जेनेटल पोर है मेल जेनेटल पोर रिया के जीवन चक्र के बारे में बात करें तो हिडोरिया का जो लाइफ साइकिल होता है एक लिंगी हार्मोफोडाइड है जंतु अर्थात प्रत्येक जोग में नर व मादा दोनों प्रकार के जनना पाए जाते हैं मैथ्यून व निचन या कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजनिया में मार्च से अप्रैल में मैथ्यून क्रिया होती।, होती है कब होती है मार्च से अप्रैल के महीने में होती है दो जोग अपनी अधर सतहों से सिर पुछ की स्थिति में इस प्रकार संपर्क करते हैं कि एक का मादा जननिक ग्रंथ दूसरे के नर जननी ग्रंथ के समुख जाता है इस स्थिति में एक का जो सीशन होता है दूसरे के मादा मादाजनित क्षेत्र तंत्र में प्रवेश कर जाता है और शुक्राणु सहित शुक्र द्रव का पारस्परिक क्या होता है विनिमय होता है और मैथुन क्रिया के पश्चात मैथुन क्रिया के पश्चात दोनों जंतु पृथक हो जाते हैं जो में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इस प्रकार तो कैसा फर्टिलाइजेशन है क्रॉस यह आंतरिक होता है प्रत्येक जंतु के योनि में होता है अंडे आगे परिवर्धन के लिए कोकून क्या करते हैं विसर्जित करते हैं तो मैथुन क्रिया के तत्पश्चात अप्रैल मई और जून कोकून का निर्माण होता है जो खंड में क्लाइटेलम ग्रंथियां द्वारा श्रावित एक हिम श्वेत या झागदार पदार्थ के रूप में होता है इसी कोकून में जो होते हैं फर्टाइल एक जो होते हैं इकट्ठा होते हैं कोकून श्रावित किया जाता है क्लाइटेलम ग्रंथिया एल्यूमिनियम द्रव का भी श्राव करती हैं जो निषेचित अंडों के साथ कोकून के अंदर क्या हो जाते हैं इकट्ठा हो जाते हैं जो निषेचित अंडे होते हैं वह कोकून के अंदर क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं इसके बाद जंतु पीछे की ओर जंतु किस तरफ गति करता है पीछे की ओर तथा कोकून जंतु के आगे के सिर की तरफ गति करता है और आगे की ओर सरकता रखता है जबकि जंतु किस तरफ गति करता है पीछे की तरफ जिससे प्रोस्ट प्रोस्टोमल ग्रंथिया कोकून के अगले तथा पिछले दोनों ध्रुवी प्लगों का क्या करती है श्रावण करती हैं कोकुन जब बन गया है कोकुन जब बन गया है इस तरह से तो यहाँ पे एक ध्रुवी प्लग बनेगा और यहाँ पे एक ध्रुवी प्लग बनेगा तो यहाँ पे ध्रुवी प्लगों का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। कोकुन लगभग छह घंटे में बन जाता है इसके पश्चात किसी तालाब या जलाशय किनारे क्या होती हैं स्थान पर स्थापित हो हैं ध्रुवी जो प्लग होते हैं वह क्या होते हैं पूरी तरह से बंद रहते हैं यहाँ पे कोकून के लगभग छह घंटे घंटों में बन जाता है उसके पश्चात यह किसी तालाब या जलाशय के किनारों पर क्या होते हैं आठ स्थान पर स्थापित किया जाता है वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है कठोर हो जाता है अब शिशुओं के परिवर्धन कोकून के अंदर ही होते हैं जिसमें एक से चौबीस तक भ्रूण हो सकते हैं कोकून के अंदर का एल्ब्यूमिन परिवर्धन भागों के लिए भोजन क्या करता है काम करता है असमान परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है इसमें परिवर्तन क्या होता है असमान होता है और परिवर्तन कैसा होता है प्रत्यक्ष होता है विभाजन कैसा होता है अनुक्वल और परिवर्तन प्रत्यक्ष जिसमें कोई भी लार्वा नहीं बनता कोको से शिशुओं के निकलने के समय दोनों ध्रुवी प्लग क्या हो जाते हैं गिर जाते हैं दोनों ध्रुवी प्लग जो बने हुए हैं वो क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे और वयस्क जोंक से मिलती हुई जोंक क्या होती है बाहर निकलती हैं परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया में पंद्रह दिन का समय लगता है तो इस तरह से हम लोग हीरोडिनेरिया के बारे में जाने आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगले वीडियो में हम लोग हेरोडिनरिया का कंप्लीट रिप्रोडक्शंस जो होता है और फिगर के साथ डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग।